गाइस काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि एक पग ब्रीड के ऊपर वीडियो बनाओ और वो भी चीपेस्ट प्राइस में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पग ब्रीड लेके आया हूँ और वो भी जेड ब्लैक। और ये डॉग आप लोगों को काफी कम प्राइस में मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ब्लैक पग होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप लोग एक पग लवर हैं और आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या इसकी लोकेशन है और क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मंजीत एंड यू आर वाचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों आप लोग भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि लो प्राइस में कोई काफी अच्छी क्वालिटी का पग ब्रीड की वीडियो लेके आऊं। तो वो वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए ले ही आया। दोस्तों ये जो पग है ये एक फीमेल है और क्वालिटी आप लोग इसकी देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है और साथ में काफी एक्टिव भी है। और इसको सेल करने का रीजन ये है कि इसके जो ओनर हैं वो कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो इसको साथ नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए इसको सेल कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी इसे परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पग डॉग जो होते हैं ये बहुत ही बढ़िया फैमिली ब्रीड है और इन डॉग्स की सबसे अच्छी बात तो ये होती है अगर आप लोगों के पास एक छोटा अपार्टमेंट है तो ये उनमें भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे तो पग ब्रीड दूसरे स्मॉल डॉग्स के कंपैरिजन में थोड़े लेजी होते हैं। जैसे दूसरी ब्रीड होती है अगर आप लोग उन्हें घर में अकेला छोड़ते हैं तो वो रोने लग जाते हैं या चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, बट पग ब्रीड ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। आप लोग इन्हें कितनी भी देर के लिए घर में अकेला छोड़ सकते हैं पर इन डॉग्स को अपने ओनर या फैमिली के साथ वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता है, तो इन्हें सुबह शाम की वॉक पे जरूर लेके जाएं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबा कर पाए मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो पग फीमेल है काफी हेल्दी है और साथ में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, तो पग ब्रीड लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसे परचेज करने के लिए। और दोस्तों मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा पग डॉग्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड पॉन कलर में देखने को मिलते हैं, पर आज की जो हमारी फीमेल है ये जेड ब्लैक है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। अगर इसकी एज के बारे में बात करी जाए तो ओनर को इसकी एग्जैक्ट एज तो नहीं पता, बट ये 3 से 3.5 साल के बीच में है। और इसकी जो लोकेशन है वो है हरियाणा रोहतक सिटी से। अगर आप लोग आसपास से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्ट जाकर इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि भाई डिलीवरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि ये जो जेड ब्लैक फीमेल है आप लोगों को काफी कम प्राइस में मिल रही है, तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 8,000 रुपए और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इसका प्राइस कैसा लगा, अपने ओपिनियन एक बार मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। सो जल्दी ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड बाय बाय।